मेरे को कुछ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में होली का खुमार चढ़ने लगा है। रामपुर में भी फूलों की होली खेलकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया है। रामपुर के अंबेडकर पार्क में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर फूलों की होली खेली, वहीं एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामना दी। इस मौके पर राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष फतेह अली खान ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखने का संदेश दिया। खान ने कहा कि देश में अमन भाईचारा प्रेम सौहार्द कायम रखने के लिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे बरकरार रखना चाहिए। त्योहार में प्यार भरी मुबारकबाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई हो पूरे हिंदुस्तान को परंपरागत त्योहार होली की। रंगों में हम सबसे खास देख रहे हैं कि आपके सर पे टोपी है और भैया के सर पे तिलक है, तो इस पर कुछ कहें। देखें, बिल्कुल बिल्कुल, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो इस वक्त में आप सब लोग देख रहे हैं। ये खूबसूरत हिंदुस्तान है, ये तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान वो है जो हमारे पुरखों का, शहीदों का, जो शहीद हो गए थे वो इस हिंदुस्तान को इस रूप में देखना चाहते थे। आज आज़ादी का सही मतलब सामने आया है, अमन भाईचारे प्रेम का हमारा संदेश। रामपुर में अन्य स्थानों की तरह ही होली का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और गुजिया खिलाते हैं। यहाँ हर साल होली से पहले ही हिंदू और मुस्लिम आपस में मिलजुल कर फूलों की होली खेलते हैं। ये कार्यक्रम विगत अनेक वर्षों से राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ के भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली के नेतृत्व में होता आया है और हम सब इसके गवाह बने हैं। ये अंबेडकर पार्क, ये वो पावन धरा है जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करती है। यहाँ से हमें संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को कि हिंदू मुस्लिम एकता बहुत आवश्यक है देश के विकास के लिए। यहाँ हम सब त्योहारों को मिलकर मनाते हैं, होली का त्यौहार हो, दीपावली का त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो, हम दोनों एक दूसरे को जब तक बधाई ना दे दें, शुभकामनाएं ना दे दें, तब तक हमारे ये त्यौहार अधूरे रहते हैं। और इस पावन धरा से हम ये पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं, पूरी मानवता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग नहीं, हम एक ही माता, इस भारत माता की संतान हैं और इस भारत माता के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। इस पर आने वाली हर विपत्ति के लिए हम दोनों एकजुट होकर शत्रु से लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरा जीवन न्यौछावर करते, तन मन धन और पूरा जीवन इस देश के लिए न्यौछावर है। बिल्कुल, हम शांति के प्रतीक बापू को भी याद करते हैं, सामाजिक समरसता के प्रतीक अंबेडकर को भी पूजते हैं, हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं, पीर और जो हमारे पूज्य हैं उन सबको ही पूजते हैं, यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है। होली जीवन में नए उत्साह और रंगों को भरने का त्यौहार है, साथ ही इस पर्व से आपसी भाईचारे को कायम रखने का भी संदेश मिलता है। इसीलिए समाज में अलगाव और पुरानी कड़वाहट को भुलाकर होली में नई शुरुआत करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।